हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण कुमार सिंह। हम आज आप लोगों के बीच में एक एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिज़ाइन टू BCD टू SS3 कोड कन्वर्टर। दोस्तों, आज इसके बारे में हम यह सीखेंगे कि कैसे BCD को SS3 कोड में डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी पूछना है कोई भी बात, तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई भी बात हो मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के सेंड कीजिए। फ्रेंड्स, 4 इनपुट लेते हैं। 4 इनपुट D1, D2, D3 एंड D4। ओके फ्रेंड्स, फिर अब आती है इसको आउटपुट देने की। तो फर्स्ट आउटपुट हम नॉर्मल D1 से ले लेते हैं। D1 से लेके यहाँ पे प्लग कर देते हैं। सेकंड सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। एक IC नॉट गेट की, 7408 एक IC एंड गेट की, 7432 एक IC और गेट की, 7486 एक IC XOR गेट की। दोस्तों, ये IC हमको चाहिए इस सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए ऑन ब्रांड बोर्ड। दोस्तों, इसके बाद अब हम इसी सर्किट डायग्राम को ब्रेडबोर्ड पे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि ये 4-पिन वाला स्विच है। 4-पिन स्विच है, चार चाहिए, फोर स्विच चाहिए, क्योंकि हमको 4 इनपुट लेना है, D1, D2, D3, D4। और हमने यहाँ पे LED लगा दिया है ताकि ये पता चल जाए कि कौन सी ऑन है, कौन सा ऑफ है। अगर LED चलेगी तो ऑन है, LED नहीं चलेगी तो ऑफ। ओके दोस्तों, ये मेरी IC है, ये मेरी IC है 7404 एंड ये वाली IC है 7486 एंड दिस IC इज 7408 एंड दिस IC इज 7432। सबको इसके VCC के साथ सबका VCC अलग अलग कर दिया है और सबका ग्राउंड अलग अलग कर दिया है। आफ्टर देन फर्स्ट इम्प्लीमेंट। गेट का एक आउटपुट आर गेट के एक इनपुट पे एंड एन गेट के दूसरे आउटपुट आर गेट के दूसरा इनपुट पे। अब आर गेट के आउटपुट को जंप करके एन गेट के एक इनपुट पे फिर ले जाएंगे दूसरा। D3 की इनपुट से एक एन गेट का इनपुट और एंड गेट का आउटपुट और गेट के एक इनपुट में जाएगा। ये एंड गेट का आउटपुट और गेट के एक इनपुट में आएगा और D4 से एक इनपुट और गेट के दूसरे इनपुट में और गेट का आउटपुट एक LED के आउटपुट में जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, अब मेरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बैटरी का सोर्स देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा एक कनेक्शन इस साइड और इस साइड है,
दोनों कनेक्शन को मैं अटैच करके ग्राउंड टू ग्राउंड जोड़ देता हूँ। दोस्तों अब हम टेबल वेरीफाई करने जा रहे हैं, ये हमारी BCD है और ये हमारी SS3 कोड है। दोस्तों जब हम BCD में 0000 देंगे तो हमारा SS3 कोड 0011 आएगा, यानी कि हमारा जो SS3 कोड होगा वो 3 नंबर इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0+3=3। अब 3 का इसका बाइनरी इसका BCD नंबर होता है 001। इसी प्रकार जब हम 1 पे 0001 यानी कि डेसिमल नंबर 1 पे जब हम लेते हैं तो 1 में 3 ऐड कर देते हैं, 1 में जब 3 हम ऐड कर देते हैं ये हमारी 4 हो जाता है और 4 का BCD हो जाता है 0100। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो हमारी BCD है और SS3 कोड है, जो SS3 कोड है BCD से 3 नंबर से इंक्रीज़ कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अब अपने ब्रेडबोर्ड कनेक्शन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। दोस्तों कृपया ध्यान से देखिए, दोस्तों ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनपुट में जब मैं बटन प्रेस करूँगा ये लाइट ये LED मेरी BCD को शो करेगी और ये वाली LED मेरे SS3 कोड को शो करेगी। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, अब मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों जब मैं चारों इनपुट 0000 कर दिया तब दोस्तों देख रहे हैं हमारी यहाँ पे 2 LED ग्लो कर रही है, तो यहाँ पे मेरा केस बन रहा है SS3 का 0011। तो दोस्तों आपको दिख रहा है 0011। अब ये मेरा कोड वेरीफाई हो गया। अब दूसरा कोड पे आते हैं। दोस्तों दूसरा कोड हम देख रहे हैं कि BCD कोड है 0001। तो दोस्तों अब मैं 3 जीरो और 1 1 देता हूँ 0001। जब दोस्तों मैं 001 दे रहा हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है 0100। दोस्तों देखिए मेरे यहाँ पे 1 LED चल रही है और सब सारी ऑफ हैं, तो यहाँ पे हमको सीधा आउटपुट में दिख रहा है कि 0100 दिख रहा है। दोस्तों मेरा दूसरा भी कोड वेरीफाई हो गया। दोस्तों अब मैं तीसरा कोड पे आता हूँ। तीसरा कोड हमारा है BCD कोड है 0011। अब मैं दो इनपुट को 00 कर देता हूँ और 11 रखता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों जब दो मैं इनपुट को 00 कर दिया और मेरा BCD थर्ड वाला जो मैं मैच करा रहा हूँ इसमें हमारा जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मेरा आ रहा है 10110। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेरा ये भी कोड वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों अब मैं टू वाला आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं BCD 2 0010 करता हूँ 0010। तब देखिए हमारा यहाँ पे 0010। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ पे देखिए LED 1 ग्लो कर रही है, 0100 यानी कि 5 आ रहा है। ये भी मेरा प्रूफ हो चुका। अब दोस्तों मैं डेसिमल नंबर 4th वाला वेरीफाई करने जा रहा हूँ। 4th पे देखिए हमारा इनपुट 0100 है। अब आउटपुट देखते हैं 0100। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा है 0111। यहाँ पे मेरा टेबल वेरीफाई हो गया। दोस्तों अब मैं 5th वाला टेबल वेरीफाई करने जा रहा हूँ। 5th वाला कोड है मेरा 0101 पे देख रहे हैं आ रहा है बिल्कुल सही 10008 आ रहा है बिल्कुल सही। ये भी मेरा कोड वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों मैं 6th वाला करने जा रहा हूँ। 6th वाला 0110 है, तो 0110 मैंने इनपुट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा आ रहा है आउटपुट 1001 बिल्कुल सही है, मेरा आउटपुट यही आ रहा है। दोस्तों अब मैं 7th वाला आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ। 7th वाले में BCD में 0111 है, तो 0111 पे देखिए हमारा जो आ रहा है 1010। दोस्तों ये भी मेरा टेबल वेरीफाई हो गया।
एट्थ वाला बचा हुआ है 1000, तो एक वन दे दिया और तीनों आउटपुट इनपुट जीरो मैंने दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि हमारे एलईडी में शो कर रहा है, हमारे एलईडी में शो कर रहा है कि 1101, तो ये भी मेरा टेबल वेरीफाई हो गया। अब मैं नाइन्थ वाला करने जा रहा हूँ, दो इनपुट 1100, देख रहा हूँ तो देखिए दो एलईडी मेरा ग्लो कर रही है, ये और दो ऑफ है, यानी कि मेरा टेबल ये सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों जब भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप ध्यान पूर्वक सर्किट डायग्राम, जो मैंने सर्किट डायग्राम अप्लाई किया है उस सर्किट डायग्राम को देख कर ध्यानपूर्वक आप इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करें और VCC और ग्राउंड का खास तौर पे ध्यान रखें। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।